Hey guys, welcome to my channel. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लीनअप, और इस क्लीनअप में मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज किए हैं वो सारे अंडर 50 है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको घर पर कैसे क्लीनअप करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने फेस को क्लीन करेंगे, तो उसके लिए मैंने लिया है हिमालय का नीम फेस वॉश। इसका जो स्मॉल साइज है ये आपको 15 रुपीस में मार्केट में इजीली मिल जाएगा। थोड़ा सा अमाउंट अपने फिंगर पे ले और अपने फेस को सर्कुलर मोशन में क्लीन करें। आपको अपने फेस के साथ साथ अपने नेक को भी क्लीन करना है, नेक को नहीं भूलना है। क्लीन करने के बाद आप अपना फेस को वॉश कर लें। मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, अब हम करेंगे अपने फेस को स्क्रब। तो स्क्रब के लिए मैंने यूज किया है एवरयूथ का वॉलनट स्क्रब। ये आपको 11 रुपए में मिल जाएगा, प्लस ये जो स्क्रब है ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है। तो स्क्रब हम पहले अपने पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे, इससे आपकी डेड स्किन सेल्स निकल जाती है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकल जाते हैं। तो जहाँ पर भी हमारे नोज के साइड में ब्लैक हेड्स होते हैं वहाँ पर आपको इस तरीके से स्क्रब करना है, और नाक के ऊपर भी स्क्रब करना है, यहाँ पर भी ब्लैक हेड्स होते हैं, इससे आपके काफ़ी हद तक ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे। उसके बाद लिप्स के नीचे हमारे व्हाइट हेड्स होते हैं, तो वहाँ पर भी स्क्रब करें, वहाँ से भी व्हाइट हेड्स निकल जाएंगे। और पूरे फेस पर बहुत ही जेंटली आपको स्क्रब करना है, इससे डेड स्किन सेल्स निकल जाएगी। तो स्क्रब करने से आपके फेस पर इंस्टेंटली ग्लो आ जाएगा, क्योंकि सारे डेड स्किन सेल्स निकल जाएगी। कुछ ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं वो स्क्रब के बाद भी नहीं जाते हैं, तो उसके लिए आपको ब्लैक हेड रिमूवर टूल यूज करना है। ये आपको 10 रुपए में कॉस्मेटिक शॉप पे मिल जाएगा। जहाँ पर भी आपके ब्लैक हेड्स बच गए हो वहाँ पर आपको इसे रखना है, इसका जो सर्कुलर साइज है वो, और हल्का सा पुश करते हुए आपको पुल करना है, इससे आपके सारे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स जो भी बच गए हैं वो निकल जाएंगे। अगर आपको उनको निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने फेस को पहले स्टीम कर ले। जो हमारा स्टेप 3 है वो है मसाज। मसाज के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, आप या तो जॉय की क्रीम यूज कर सकते हो या फिर पॉन्ड्स की, जो आपको मिले। जॉय की क्रीम आपको 10 रुपए में मिल जाएगी, और जो पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम है ये आपको 5 रुपए में मिल जाएगी। ये जो सारी चीजें है ये आपको कॉस्मेटिक शॉप पे इजीली मिल जाएगी। इस क्रीम में आपको थोड़ा सा रोज वाटर ऐड करना है और इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको अपने पूरे फेस को मसाज कैसे करना है। इसे आपको अपने नेक पे भी अप्लाई करना है। अब आपको मसाज कैसे करना है, आपको सबसे पहले नेक से स्टार्ट करना है। आपको अपने हाथों को अपवर्ड मोशन, अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे। फिर जो लाइन पे भी आप ऐसे अपसाइड करें, आपको डाउन साइड नहीं करना है। गालों के यहाँ से सर्कुलर मोशन में मसाज करें। अंडर आई के यहाँ पे आपको ज्यादा प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है, और फोरहेड के यहाँ पर भी आप सर्कुलर मोशन में मसाज करें। आपको इस तरीके से मसाज अपने फेस को 5 मिनट तक करना है, जैसे मैं कर रही हूँ, मैं आपको इसी तरीके से मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपको अपने फेस को वॉश बिल्कुल नहीं करना है। आपको कोई भी गीला कपड़ा लेना है और उसकी हेल्प से जो भी आपके फेस पर एक्स्ट्रा क्रीम है आपको उसे रिमूव कर देना है। मसाज करने के बाद हम यूज करेंगे फेस पैक का। तो मैंने लिया है यहाँ पे हिमालय का नीम फेस पैक। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको केसर वाला फेस पैक यूज करना है। ये जो दोनों फेस पैक है ये 10 रुपए में मिल जाते हैं। मैं नीम वाला फेस पैक यूज कर रही हूँ, मेरी स्किन ऑयली है। तो आपको कभी भी फेस पैक ऐसे ऊपर से नीचे नहीं लगाना है, आपको हमेशा फेस पैक नीचे से ऊपर की साइड लगाना है। जैसे मैं लगा रही हूँ, आपको हमेशा फेस पैक इसी साइड लगाना है, और फेस पैक को आपको नेक पे भी लगाना है। आपको नेक को अपने बिल्कुल नहीं भूलना है फेस के साथ साथ। मैंने आपको हर एक स्टेप में बताया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने नेक पे भी अप्लाई किया है। जब आपका फेस पैक लगा हो तब आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, जब तक ये पूरा कम्प्लीटली सूख नहीं जाता है। फिर आपको ऐसे दो कॉटन लेना है, इन्हें सर्कुलर मोशन में शेप दे देना है, और इस पे हल्का सा रोज वाटर डालना है दोनों साइड, और इसे अपनी आईज के ऊपर अप्लाई करना है। इससे आपकी आंखों को बहुत ही रिलैक्सिंग फील होगा। मैंने आईज के ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब आपको 10 से 15 मिनट वेट करना है, जब तक आपका फेस पैक सूख नहीं जाता है। तो यहाँ पर ये 10-15 मिनट बाद मेरा जो फेस पैक है वो कम्प्लीटली सूख चुका है, एज यू कैन सी गाइस। और मैं ये जो कॉटन है ये निकाल लूंगी अपने आईज के यहाँ से। अब आपको फेस पैक को निकालना कैसे है, आपको पहले हल्का सा अपने फेस को वेट करना है। यहाँ पे मैं स्प्रे बॉटल का यूज कर रही हूँ। वेट करने के बाद आपको एक गीला कपड़ा लेना है,
और उसकी हेल्प से आपको अपने फेस पैक को निकालना है। अगर आप डायरेक्ट वॉश करके निकालोगे तो इससे आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी फेस पैक को निकालने में, तो जैसे मैंने बताया है आपको ऐसे ही निकालना है। अब जो बचा है मेरे फेस पे, अब मैं अपने फेस को वॉश कर लूंगी ताकि पूरा फेस अच्छे से क्लीन हो जाए। फेस पैक अप्लाई करने के बाद आपको अपने फेस को टोनर और मॉइस्चराइजिंग करना है, जो हम स्किन केयर रूटीन में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है गुलाब जल, आप कोई सी भी ब्रांड का गुलाब जल ले सकते हो या स्मॉल साइज आपको 10-12 रुपए में मिल जाएगा, मैंने 15 रुपए का लिया है। आपको थोड़ा सा इसे अपने हाथ पे लेना है और रब करके अपने फेस पे अप्लाई कर लो। और नेक्स्ट आपको अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर के लिए आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो भी क्रीम यूज करते हो आप वो ले लो। अगर आपके पास मॉइस्चराइजर नहीं है तो मैंने जो मसाज क्रीम आपको बताई थी वीडियो में आगे, आप थोड़ी सी वो ले लो और इसे अपने पूरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो। यहाँ पे हमारा क्लीन अप हो चुका है। क्लीन अप के बाद आपकी स्किन बहुत ही क्लीन लगती है, आपके फेस पे एक ग्लो आता है और आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ भी लगती है। तो कैसा लगा आपको क्लीन अप, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसे और भी ब्यूटी वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइस।